उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नॉन यादव ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अखिलेश यादव ने जिस महान दल से गठबंधन किया था, अब उसने अखिलेश यादव से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। विधान परिषद चुनाव में सीट ना मिलने के बाद महान दल ने अखिलेश के गठबंधन को त्यागपत्र दे दिया है। केशव देव मौर्य ने ऐलान किया है कि अब वो अखिलेश यादव के साथ ही नहीं है। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश और केशव देव मौर्य के बीच के रिश्तों की तलखी कुछ इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य को गिफ्ट की गई एक गाड़ी भी वापस मंगा ली है, जो उन्हें चुनाव में कैंपेन के लिए मुहैया कराई गई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से केशव देव मौर्य को एक फॉर्चूनर कार गिफ्ट की गई थी। इस कार के जरिए केशव देव मौर्य को ये कहा गया था कि वो अपने समाज के लोगों से संपर्क करें, मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अखिलेश यादव की ओर से एक फॉर्चूनर कार गिफ्ट की जा रही है। लेकिन जब गठबंधन में तलखी आई तो केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपने कोटे में एक विधानसभा सीट की मांग की। केशव देव मौर्य ने कहा कि अखिलेश को उन्हें MLC बनाना चाहिए, लेकिन जब अखिलेश इसके लिए राजी नहीं हुए तो मौर्य ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को बाय बाय कह दिया। अब अखिलेश यादव की ओर से इस मामले में और तलखी दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि केशव देव मौर्य के गठबंधन तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे ये कहा कि अखिलेश यादव की गिफ्ट की गई फॉर्चूनर को वापस कर दिया जाए। इन लोगों में अखिलेश यादव के कुछ एडवाइजर्स भी शामिल थे जिन्होंने केशव देव मौर्य को फ़ोन किया था। वहीं मौर्य के भी कुछ अपने लोगों ने उन्हें यह सलाह दी कि अखिलेश यादव की ओर से गिफ्ट की गई कार को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा नहीं। दो दिन पहले टूटे गठबंधन के बाद केशव देव मौर्य ने अब वो गाड़ी लौटा दी है, फॉर्चूनर गाड़ी जो अखिलेश यादव ने उन्हें तोहफे में दी थी। लेकिन तोहफे को वापस लौटाते हुए केशव देव मौर्य ने कोई बयान नहीं दिया है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव से रिश्ता तोड़ने पर तलखी कुछ इस तरह से बाहर आएगी, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में अलग राजनीतिक चर्चा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।